हाय फ्रेंड्स, आज मैंने थोड़ा अलग टेक्निक से ड्राइंग किया है और ये इंडियन ईगो का पेंटिंग है। आप अगर पूरा वीडियो देखिए, कोई भी वीडियो स्किप मत कीजिए, क्योंकि आप इसमें समझ पाओगे कैसे एक कोई भी चीप कलर पेंसिल से आप रियलिस्टिक ड्राइंग कर पाओगे इस टेक्निक से। और ये टेक्निक बहुत सिंपल है और ये बहुत जल्दी भी हो जाता है, ठीक है। तो कोई भी वीडियो स्किप मत कीजिए, पूरा वीडियो देखिए। मैं थोड़ा थोड़ा करके बोल दूंगा जहाँ पे बोलना ज़रूरत होगा। तो पहले देखिए, मैं यहाँ पर वाटर कलर से एकदम बेस जो कलर होता है, एकदम बेस मतलब जो एकदम बेस कलर होता है, लाइट वाला कलर मैं उसको दे दिए। कुछ कुछ जगह डार्क देना चाहिए तो इसलिए मैंने दे दिया। उसके बाद मैंने वो जो सेलो टेप वाटर कलर से करने के टाइम जो सेलो टेप साइड पे लगाते हैं, ठीक है, फ्रेम होने के लिए, वो मैंने उठा दिया। आप नहीं भी उठा सकते। उसके बाद मैं कलर पेंसिल लिए, कोई भी कलर पेंसिल आप यूज़ करते कर सकती है। इस जो टेक्निक है इसका यही फ़ायदा है कि आप देखिएगा कि चीप पेंसिल होता है उससे करने के लिए जब करने जाएंगे तो पेज का जो पीछे का जो वाइट वाइट हिस्सा है वो दिखने लगता है और उसके लिए ख़राब लगता है। और जब आप महंगा जो कलर पेंसिल होता है उसको लेंगे तो वो ज़्यादा वाइट नहीं दिखता और कलर अच्छे से ब्लेंड भी हो जाता है, महंगा जो कलर पेंसिल होता है। लेकिन आप अगर इस तरीके से करोगे तो चीप पेंसिल से भी आप ये कर सकते हो। देखिए, मैंने पूरा बेस कलर पहले दे दिया, उसके बाद आप ये जो कलर पेंसिल है, कलर पेंसिल से सिर्फ मैं शेडिंग दे रहा हूँ। आपको देख के लगता है कि ये अच्छा कलर पेंसिल है इसीलिए ऐसा हो रहा है, लेकिन ऐसा कोई नहीं। आप, मैं जैसा बोल रहा हूँ, आप एक बार कोशिश करके देखिए। पहले आप वाटर कलर से पूरा बेस जो कलर होता है वो दे दीजिए, जहाँ पे जो बेस कलर है दे दीजिए। और ज़्यादा डिटेलिंग में मत जाइए, कि वाटर कलर से ज़्यादा डिटेलिंग में मत जाइए, सिर्फ बेस कलर दे दीजिए। उसके बाद आप कलर पेंसिल से उसमें शेडिंग देने की कोशिश कीजिए जितना हो सके। और ये ऐसी जो टेक्निक है, इससे आप मतलब कोई भी चीप पेंसिल, जितना भी हो चीप पेंसिल से आप कर पाओगे। उससे कलर अगर निकलता है तो आप कर पाओगे, ठीक है, कोई भी चीप पेंसिल से। देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छे से और बहुत ही जल्दी हो जाता है इसमें, और टाइम ज़्यादा नहीं लगता है। ऐसे कलर पेंसिल से करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन इस टेक्निक से करेंगे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और लास्ट में मैंने जो लाइनर होता है व्हाइट लाइनर से मैंने वो बाल बना दिए। और फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत लाइट का प्रॉब्लम है, इसीलिए जो पिक्चर इसका कलर ज़्यादा समझ नहीं पा रहे आप लोग। और फ़ोन से मैं रिकॉर्ड करता हूँ इसीलिए कलर थोड़ा अलग हो जाता है, लेकिन अब जब घर पे करेंगे तब समझ में आ जाएगा ये कलर कितना पंची हो जाता है और देखने में बहुत अच्छा लगता है। सो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। आपको अगर ये वीडियो से कोई हेल्प मिला है तो प्लीज़ लाइक कर दो, कमेंट करके बताओ कितना हेल्प मिला है, और सब्सक्राइब करके जाना जो लोग नया है, और बेल आइकन भी बजा देना। मैं ऐसे ही वीडियो एक दिन बाद एक दिन लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।